आज दिनांक 22 अगस्त को पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेशानुसार सिकंदर राव के निकट पर्यवेक्षण में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो अवैध तमंचा, दो कारतूस, 315 बोर एक मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है। फिलहाल इन पर अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें आपराधिक इतिहास में ब्रांजल और अश्वनी पुत्र मुकेश कुमार पर 307 अन्य अपराध भी दर्ज हैं, व विशाल पुत्र राजेश कुमार सिंह पर 325 अन्य अपराध भी दर्ज हैं।